हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की अनेकों मंगल कामनाएं। अभी बेटा जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हम लोगों के नज़र में आ रही है वो ये है कि यूपीपीसीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियली आउट हो गया है। टोटल अगर हम देखें तो 220 टोटल वैकेंसीज अभी जो है वो कमीशन ने आउट किया हुआ है। एक बार नज़र डालते हैं जो विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर कि राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2024 की है। 1 जनवरी 2024 से क्या होगा कि 1 जनवरी 2024 से बेटा ये आपका जो लिंक है वो ऑनलाइन हो जाएगा अवेलेबल। आप लोगों को हो सकता है कि आज ये वीडियो को देखने के बाद से कुछ ही समय में ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार कमीशन जो है वो थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा है, हो सकता है इलेक्शन भी एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से कि हमें इतनी जल्दी ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आज 1 जनवरी को इसका जो रजिस्ट्रेशन की जो भी लिंक है वो मोस्ट प्रोबेबली शाम तक आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसमें देखें कि जो वैकेंसीज हैं यानी रिक्तियों का अगर विवरण देखें तो अभी आप ये देख रहे होंगे कि 220 यानी कि 220 टोटल वैकेंसीज अभी नोटिफिकेशन में आई है। बट ये याद रखना कि ये आगे डेफिनेटली बढ़ेगा और मेरा ये मानना है कि ये लगभग 800 से 900 तक ये वैकेंसीज टोटल जाएंगी, ठीक है। तो 220 वैकेंसी देख करके निराश नहीं होना है, ये हमेशा की तरह इस बार भी ये आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो सकता है कि ये वैकेंसीज टोटल बढ़ जाएं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि हम लोगों को इसका जो एज है वो है 21 ईयर्स का और मैक्सिमम 40 यानी 21 साल से 40 साल की एज के लोग इसे भर सकते हैं, ठीक। और देखो एक बात मैं और बता दूं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी उनके लिए ये एक वन शॉट गेम है। आप डेफिनेटली सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्ज़ाम को भी डेफिनेटली भरना, ठीक है। और एक यूपी का जो जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो माहौल है वो किसी भी आईएएस से भी कम नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम ये देखेंगे क्या आगे कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो आज की है बेटा, यानी 1 तारीख 1 जनवरी 2024 को ये शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आप लोग देखते देखते ये लिंक जो है वो ऑफिशियली जो उनका जो साइट है यूपीपीएससी का उस पे अवेलेबल हो जाए, ठीक है। आप लोगों को जो भी एग्जामिनेशन फी है यानी परीक्षा शुल्क है वह बैंक में जमा करने की लास्ट डेट जो है वो 29th of January यानी 29 जनवरी जो लास्ट डेट रहेगी, ठीक। और अंतिम तिथि जो है मतलब ऑनलाइन अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो वो 2 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है, ठीक। और अगर आप उसमें कोई भी सुधार या संशोधन कोई भी अगर करेक्शन करना चाह रहे हैं तो उसकी भी जो अंतिम तिथि है वो 9 फरवरी 2024 की है, ठीक। तो दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि ये कि इस एग्ज़ाम को सीरियसली लो, पढ़ाई शुरू कर दो। मोस्ट प्रोबेबली मार्च में या मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में ही इन लोग जो है वो एग्ज़ाम करा देंगे और उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो इलेक्शन के बाद आएगा। एक चीज़ जो हमें बहुत ध्यान में रखनी है वो ये है कि यूपीपीएससी यानी यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एकमात्र अभी पूरी इंडिया में ऐसा एग्ज़ाम चल रहा है जो फटाफट अपने सारे के सारे रिजल्ट दे रहा है। 10 महीने के अंदर यूपी में रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ जा रहा है। तो इस एग्ज़ाम को सीरियसली लेना है, फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी फिलअप कर दीजिए और अपनी जो सिलेक्शन के लिए जो भी आपको जो भी नीड्स जो भी ज़रूरतें आपको पड़ेंगी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और निश्चित रूप से हमारी इंस्टीट्यूशन की ओर से आपकी पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। अगर और डिटेल में बात करें बेटा तो हमारा जो बैच है वो यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फाउंडेशन बैच भी हम लोग चला रहे हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीएससी 2025। तो ये एक फाउंडेशन बैच है लेकिन करंट के लिए यानी जो भी यूपीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग अपनी साइट्स पर और अपनी जो हमारा ऐप है परीक्षा आइडिया का ऐप उस पर सारे के सारे मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस कहिए, एमसीक्यूज कहिए या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो इसलिए सारी चीज़ों में हमारी संस्था आपके साथ है।
आप ये हमारी ऑफिस का एड्रेस है, आप इस पर आ भी सकते हैं, पर्सनल विजिट भी कर सकते हैं, मुझसे भी मिल सकते हैं, फैकल्टी मेंबर से भी मिल सकते हैं, और अपनी तैयारी को जोरदार शुरुआत दीजिए, क्योंकि वैकेंसी इस बार कम से कम 800 रहने वाली है। थैंक यू।